वेलकम पेरेंट्स। दोस्तों, कल एक मदर ने मुझसे कहा कि सर, बच्चे को कुछ ऐसी दवाई दे दो कि ये कभी बीमार ही नहीं हो। तो मैंने उनसे कहा कि देखिए, ऐसा तो कभी संभव नहीं है कि आपका बच्चा कभी बीमार पड़ेगा ही नहीं। लेकिन हाँ, आज इस वीडियो में मैं आपको पांच ऐसे टिप्स बता रहा हूँ, पांच ऐसे टिप्स जिनसे कि जो छोटे बच्चे हैं उनको जैसे इस ठंड के मौसम में खांसी, जुकाम, सर्दी लगना, इसके जो केसेज हैं या इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो उनको कम हो जाएगी, अगर आप इन पांच टिप्स को अच्छे से फॉलो करेंगे तो। तो चलिए, पहले सबसे पहले जो टिप नंबर वन है वो है एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। देखिए, ऐसा देखा गया है कि जब बच्चे को शुरुआत के जो 6 महीने उसमें केवल माँ का दूध दिया जाए, यहाँ पर मैंने एक टर्म बोली है एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, मतलब केवल माँ का दूध, ऊपर से पानी की भी ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत हुई तो दवाइयाँ या मेडिसिन देनी पड़ती है वो अलग बात है। तो ऐसे बच्चे कम बीमार पड़ते हैं, माँ का जो दूध रहता है उस वो एक बेस्ट होता है बच्चे के लिए। हम बहुत जल्दी रहते हैं कि उसको जानवरों का दूध दे रहे हैं या फिर कोई दूसरा जो भी है डब्बों का दूध, तो आप हमेशा कोशिश कीजिए कि माँ का ही दूध बच्चे के पास जाए। और माँ के दूध के अंदर एंटीबॉडीज़ रहती हैं, ये एंटीबॉडीज़ क्या है कि बच्चे को जो ये वायरसेज या बैक्टीरिया जो उसके अंदर घुस जाते हैं, उसे बीमार करते हैं बच्चे को, उनसे लड़ने में उसे मददगार होती हैं। ऐसे में कई बार ये भी देखा जाता है कि मदर खुद बीमार है, उनको खुद को खांसी जुकाम या बुखार हो रखा है, तो वो अपना दूध बच्चे को नहीं पिलाती हैं 5-7 दिन जो एक टाइम पीरियड रहता है। ऐसी गलती करने की ज़रूरत नहीं है। आप यदि बीमार हैं तो भी आप अपने बच्चे को दूध पिला सकती हैं। ऐसी बहुत रेयर कोई डिजीजेज हैं जिसमें हम कहते हैं कि बच्चे को माँ का दूध नहीं दिया जाए। तो यदि आप बीमार हैं, खांसी जुकाम आपको रखा है, आप अपने बच्चे को दूध पिला सकते हैं। कोविड के टाइम पर ऐसा देखा गया था कि कई मदर्स को जिनको कोविड हुआ उन्होंने बच्चे को दूध पिलाना बंद कर दिया, और कुछ समय के बाद में जब माँ अपना दूध बच्चे को नहीं पिलाती है तो उसके बाद में उनके दूध आना भी बंद हो जाता है। तो मेरी ये जो टिप नंबर एक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, शुरुआत के 6 महीने तक बच्चे को अपना ही दूध पिलाएं। 6 महीने के बाद जब बच्चा हो जाए तो उसे फिर कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग स्टार्ट करते हैं। टिप नंबर दो, हैंड वॉशिंग। आपने और हमने सब ने इसकी इंपॉर्टेंस को देखा है। आप फ्रीक्वेंटली अपने हाथ धोते रहिए, घर में छोटा बच्चा है तो ऐसी स्थिति के अंदर, और यदि बाहर से कोई व्यक्ति आ रहा है जो बच्चे को लेना चाह रहा है, गोदी में लेना है, खिलाना है उन्हें, तो उनको प्लीज़ आप ज़रूर बोलिए कि एक बार आप अपने जो हाथ हैं उनको साबुन से अच्छे से धो लें, उसके बाद आप अपने बच्चा जो है उसको आप हैंडल करें। तीसरी जो टिप है, आपके घर में यदि कोई बीमार व्यक्ति है, कोई भी बीमार है जिसको खांसी जुकाम बुखार या कुछ हो रखा है, तो ऐसी स्थिति में बच्चों को उनसे दूर रखिए। तो बच्चे जो हैं इनका इम्यूनिटी सिस्टम थोड़ा कमज़ोर रहता है, जल्दी ये चपेट में आते हैं, तो यदि बीमार व्यक्ति है तो उसके संपर्क में जल्दी से नहीं आए। टिप नंबर चार, देखिए, यदि बच्चा 6 महीने का हो गया है, 6 महीने से ऊपर का है, तो ऐसे में उसे एक फ्लू का वैक्सीन जो कि अवेलेबल है, वो फ्लू का वैक्सीन बच्चे को ज़रूर लगाइए। ये फ्लू का वैक्सीन अभी जैसे 6 महीने पर लगा, उसके 1 महीने बाद दूसरी डोज लगती है, फिर ये हर साल लगता है, एवरी ईयर। तो ये एक फैमिली वैक्सीन की तरह से काम करता है। अगर संभव हो सके तो घर के सभी सदस्य जो हैं, जितने लोग हैं, वो अपना ये फ्लू का वैक्सीनेशन जो है इसे ज़रूर करवाएं आप, सबको ये लगाया जा सकता है। और लास्ट टिप जो है पांचवी, स्मोकिंग से रिलेटेड। अगर आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो स्मोक करता है तो बच्चे के बीमार होने के चांसेस ज़्यादा है, बल्कि उसकी जो बीमारी की जो गंभीरता है वो भी ज़्यादा रहेगी। तो प्लीज़ बच्चे को ऐसे स्मोक जो एनवायरमेंट है उसे आप उसे दूर रखें, ये पैसिव स्मोकिंग जो है ये बहुत ख़राब है। तो दोस्तों, ये 5 टिप मैंने आपके साथ शेयर करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स हैं। आप प्रॉपरली यदि इनको फॉलो करेंगे तो आप खुद देखेंगे कि बच्चे के जो बीमार होने की जो, जैसे वो बार बार बीमार होता रहता है, तो ये काफ़ी का हद तक कम हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।